हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक्सपीरियंस तो हमने किया तो है, लेकिन डीप एक्सपीरियंस हमने कभी नहीं किया। जैसे कि हमने दही तो खूब खाया है, तो दही जो होता है वो बैक्टीरिया से मिलकर बनता है, तो क्या आपने उस बैक्टीरिया को कभी देखा है? हमारे बालों में जुएं तो होते ही हैं, यानी लाइस, और बड़े जिद्दी होते हैं, वो जल्दी निकलते ही नहीं। तो क्या कभी हमने उस जुएं को माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा है कि वो बालों को कैसे पकड़ कर रखते हैं? और हमने माचिस से तो बहुत खेला है बचपन में, जो कि आज भी माचिस का यूज हम करते ही हैं। तो क्या कभी माचिस को जलता देखा है, यानी हाईली स्लो मोशन में माचिस को जलता देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस कराने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पता चलता है उस अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मजा उसी का आता है। एक मॉस्किटो यानी एक मच्छर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। हाँ, मानते हैं कि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। हम सब सोचते थे कि मच्छर में केवल एक नीडल होती है, और वो नीडल वो हमारे बॉडी में इंटर करता है और ब्लड को सक करता है, यानी चूसता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से हेल्प से अगर हम मच्छर के हेड को देखेंगे तो उसमें जो ये नीडल लगा होता है उसमें 6 नीडल होता है, और वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें से 2 नीडल में तीथ, हाईली शार्प तीथ लगी होती है, जो कि स्किन को काटने और फाड़ने का काम करता है, और दूसरे जो ये और 2 नीडल हैं वो कटिंग टिश्यूज को होल्ड करने का यानी पकड़ने का काम करते हैं, ताकि वो जो होल उसने किया है वो आपस में जुड़ ना जाए। फिर जो ये रिसेप्टर होती है, जो कि उसी 6 नीडल में से एक नीडल होता है, वो एक केमिकल रिलीज करता है ब्लड वेसल में, ताकि ब्लड नेचुरली एग्जिट होने लगे, यानी ब्लड आसानी से बाहर आने लगे, और वो अपने नीडल के थ्रू हमारे खून पसीने की कम हमारे ब्लड को यानी हमारे खून को वो पी सके। और जो ये 6 वाली नीडल होती है वो भी केमिकल ही रिलीज करता है, ताकि ब्लड को और आसानी से वो सक कर सके, और इसी केमिकल की वजह से हमें थोड़ी इचिंग भी होती है, यानी खुजली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो 90% वाटर को कंटेन करता है, और वो साला मच्छर क्या करता है कि वो ब्लड को सक करने के बाद पानी को बाहर निकाल देता है, ताकि वो और स्पेस बना सके और स्पेस अपने अंदर क्रिएट कर सके और साला और खून चूस सके। दही तो हम सब ने बहुत खाया है, स्पेशली दही मेरा बहुत फेवरेट रहा है। एक मिनट, इसलिए नहीं कि वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बल्कि इसलिए कि उसमें बैक्टीरिया होता है। एक नहीं 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 आगे सुनो, आगे सुनो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दही होता है वो बैक्टीरिया से मिलकर बनता है। ए, जोरन से मिलकर बनता है, समझे? बैक्टीरिया से नहीं, इतना भी नहीं मालूम, गधा नहीं तो। ओह नो। अरे तो उसी में कौन भास करे? तो दही जो होता है वो जोरन बैक्टीरिया से मिलकर बनता है, तो क्या आपने उस बैक्टीरिया को कभी देखा है? सुना तो बहुत है पर देखा नहीं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। थोड़े से दही के ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के ग्लास स्लिट पे रखते हैं। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो देखिए क्या दिख रहा है। बैक्टीरिया दिखा? अरे बहुत वैसे बैक्टीरिया नहीं होते कि देख के बहुत बेकार लग जाए। बस यही जो छोटे छोटे व्हाइट टाइप के दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे, बस वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं। उनका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, तो इस वीडियो को मैंने फास्ट कर दिखाया है। इस क्लिप को मैंने फास्ट किया है तब ये थोड़े ज्यादा फास्ट दिख रहे हैं कि कितनी तेजी से मूव करना है। देखिए ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। ये फैक्ट उतना भी घिनौना नहीं था, इसलिए दही खाना मत छोड़ देना। कहाँ दिख रहा था बैक्टीरिया? छोटा सा था, पता नहीं क्या वाइट वाइट का हो रहा था, बल्कि वो बेनिफिशियल भी है हमारे लिए ना। जो लाइस होते हैं यानी जुएं होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना? लेकिन जो जुएं होते हैं वो असल में ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हमारे ब्लड को सक करने के बाद उनके बॉडी कलर कुछ ऐसा हो जाता है। और ये जो लाइस होते हैं ना, वे बड़े जिद्दी भी होते हैं, यानी वो बालों से जल्दी निकलते ही नहीं। और उनका कारण जानते हैं क्या है? उनका कारण ये है, क्योंकि उनके जो नाखून होते हैं, जो उनके पैरों में होते हैं नाखून, वो इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे बालों के अकॉर्डिंग उनके नाखून इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे बालों को कुछ जिस तरीके से पकड़ कर रखते हैं, इस तरह से होल्ड किए होते हैं। और यहाँ तक कि जब हम कम यानी कंघी जब हम अपने बालों को झाड़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पास हो जाते हैं उसके अंदर से, यानी उनका जो पकड़ होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और वो निकलते ही नहीं जल्दी। अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये भी कुछ एकदम दानों की जगह दिखता है। बाप रे, कभी सोचता अगर ये इतने बड़े सच में हो, उनके सामने हम ऐसे हों,
तो मतलब सोचना ही बंद हो जाएगा, दिमाग सोचना ही बंद कर देगा। आप सबने अपने घरों में, किचन में, मंदिरों में माचिस का इस्तेमाल तो किया ही होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो माचिस के तीली के टॉप पर जो ये केमिकल होता है वो किस चीज से बनता है और ये कैसे जलता है जूमिंग लेवल पर, हाईली स्लो मोशन में। अगर नहीं देखा है तो चलिए एक और बेहतरीन एक्सपीरियंस को ले ही लेते हैं। माचिस की तीली के टॉप पर जो केमिकल लगाया जाता है वो केमिकल होता है फॉस्फोरस सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर ग्लास पाउडर और सिंथेटिक ग्लू। इन सभी केमिकल को मिक्स कर एक लकड़ी के टॉप पर उसको लगा दिया जाता है और जब वो मिक्सर ड्राई हो जाता है तो उसको मेल्ट वैक्स में यानी पिघले हुए मोम में डीप कर दिया जाता है ताकि वो जो माचिस का जो वो केमिकल है वो जल्दी से मॉइस्चराइज ना हो जाए और आसानी से जल जाए। और फिर बारी आती है मैच बॉक्स की, यानी वो जो माचिस का जो डिब्बा होता है उसकी, तो उसके इस साइड को फॉस्फोरस सल्फाइड और ग्लास पाउडर को ग्लू, एक सिंथेटिक ग्लू के हेल्प से उसको मिक्स करके उस पर लगा दिया जाता है और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो हीट अब्सॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसकी वजह से सल्फर तेजी से जल जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो जलने का जो प्रोसेस होता है वो जूमिंग लेवल पे हाईली स्लो मोशन में कैसा दिखता है। ये देखिए किस तरीके से वो जलता है, देखिए थोड़ा। किसी चीज को हाईली स्लो मोशन में देखते हैं जब जूमिंग लेवल पे, तो मतलब उसका एक्सपीरियंस गजब का होता है। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने कमेंट के आगे या पीछे इस इमोजी का यूज जरूर करना, इसे पता चलेगा ना कि कैसा लगा वीडियो। स्टीव फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।